हासिल की। सिद्धेश आईआईटी मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले सिद्धेश जेईई 2019 के भी टॉपर रह चुके हैं। बता दें कि सिद्धेश की सफलता से परिवार में खुशी है। गेट की परीक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में पीजी और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्लियर की जाती है। वहीं इस परीक्षा के जरिए देश की टॉप पीएसयू कंपनी में भी नौकरी का मौका मिलता है। गेट 2024 परीक्षा का रिजल्ट 16 मार्च यानी कल जारी कर दिया गया है और 80 से 90 हजार बच्चे जो गेट परीक्षा में मैकेनिकल ब्रांच से अपीयर हुए थे उसमें से छत्तीसगढ़ के सिद्धेश पांडे ने 33वां रैंक हासिल किया है। हमारे साथ चर्चा के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, 33वां रैंक आपने हासिल किया है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसके पीछे मैंने जो मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे वो रैंक मिली और वो प्राप्त हुई, तो ये जान के और देख के काफी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं, संघर्ष रहे हैं, और इस बीच में आपके मदर फादर भी हैं जो आपकी पूरी हेल्प किए होंगे, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? स्ट्रगल्स तो रहते हैं। मैंने प्रिपरेशन गेट 24 का ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में कंप्लीट किया एंड मैं आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री लेकर के पास आउट हूँ। सो ऐसा होता है कि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने प्लेसमेंट्स में अपनी जॉब हासिल कर ली थी, तो एक ये भी प्रेशर था कि मेरी जॉब अभी तक लगी नहीं है एंड मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऑल्दो आई नो कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है आपको व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स, यूपीएससी हो गया, गेट हो गया, हायर एग्जाम्स में आपको थोड़ा टाइम लगता है जॉब में, बट वो एक प्रेशर भी रहता है कि अभी तक जॉब नहीं लगी, बट वो हो गया था। एंड ये जो 9-10 महीने मैंने प्रिपेयर किया इसमें कंप्लीट मोरल सपोर्ट, एंड जब मैं डीमोरलाइज हो जाता था थोड़ा सा डर लगने लगता था कि यार अच्छे से होगा या नहीं, या एंड ये जो नॉर्मल एक कैंडिडेट को थोड़े से फियरफुल थॉट्स आते हैं, इन सब को दूर करने के लिए एंड मोरली बूस्टअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पापा और अम्मा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो हमारे साथ मौजूद थे सिद्धेश पांडे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल किया है गेट एग्जाम 2024 में मैकेनिकल ब्रांच से, और क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्या कुछ चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और मम्मी पापा का क्या कुछ सपोर्ट रहा है इस पूरे दौरान उन्होंने बताया। ऐसे ही सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो गेट को क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे वो बिल्कुल प्रेरित हो सकते हैं। न्यूज़ 24 के लिए मैं लक्षिका साहू छत्तीसगढ़ से।